हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज हम देखेंगे क्लास 4 ईवीएस एनुअल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 8 आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस पेपर की हेल्प से आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं, और अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं या ट्यूशन टीचर हैं तो इसकी हेल्प से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। फर्स्ट है टू बाय अ टिकट वी डैश पे मनी गिव फूड प्रे टू गॉड। तो टिकट खरीदने के लिए वी पे मनी। इन पोंगल पीपल वर्शिप। पोंगल में लोग कैटल की पूजा करते हैं। नेक्स्ट इट इज़ नेसेसरी टू वेस्ट वाटर सेव वाटर। सेव वाटर एरिया रिसीविंग लेस रेनफॉल। जिस जगह पे कम रेनफॉल होती है वहाँ पे होते हैं ड्रॉट, यानी सूखा पड़ जाता है। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। रेन। रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। विच इज़ अ वाटर बोन डिजीजेस। कॉलरा। वॉट हेल्प अस टू टेस्ट फूड। टंग। पीपल ईट इन अ लंगर इन अ गुरुद्वारा। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। द आर्किटेक्ट डिज़ाइन इज कॉल्ड अ प्लान। नेक्स्ट नेक्स्ट डैश एड फ्लेवर टू द फूड। तो यहाँ पे होगा स्पाइसेस। नेक्स्ट एन एडल्ट पर्सन हैज़ 32 टीथ। थिक क्लाउड्स ब्रिंग रेन। वाटर इन सी एंड ओशन इज यूजलेस। और सॉल्टी भी आप लिखा सकते हैं। इल ट्रीटमेंट टूवर्ड एनिमल इज अ क्राइम। डू नॉट थ्रो वेस्ट इन वाटर बॉडीज। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। फॉल्स। ब्रिक्स आर बेक्ड इन हीटिंग चैम्बर्स कॉल्ड किल्स। ट्रू। द वॉल्स आर पेंटेड बाय कारपेंटर। फॉल्स। ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट द वाटर बॉडीज। ट्रू। कंटेमिनेटेड वाटर मेक्स पीपल हेल्दी। फॉल्स। नेक्स्ट कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट। टोंगा पुल्ड बाय हॉर्सेस। सेंटा क्लॉज स्लेव। विंड गिव्स मोर प्लेसेस फॉर द एयर टू एक्सपेंड। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। गुरुद्वारा लंगर ओनम केरल एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स एक्टिव एट नाइट। नेक्स्ट नेम द टीथ यूज फॉर द फॉलोइंग। टू टीयर फ्लैश। टू टीयर फ्लैश कैनाइन टीथ हेल्पर्स। टू बाइट एन एप्पल इंसीजर्स हेल्पर्स। टू ग्राइंड फूड मोलर्स। एंड टू ब्रेक हार्ड नट्स प्री मोलर्स। नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग। एम्फीवियन। कोई भी एक एम्फीवियन। एम्फीवियन एनिमल्स मीन्स जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखा सकते हैं, लाइक फ्रॉग क्रैब टॉर्टोइस। नॉक्टर्नल एनिमल्स वो एनिमल्स जो रात में एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे आप बैट आउल। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स जो घर में रहते हैं पेट एनिमल, तो आप डॉग लिखवा सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल जो सिर्फ वाटर में रहते हैं, तो यहाँ पे फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, सी हॉर्स हो गया। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पिक्चर किसकी है? बे लीफ। बे लीफ मीन्स तेज पत्ता। नेक्स्ट है क्लोव मीन्स लौंग। नेक्स्ट है चिली। और लास्ट है कार्डमम मीन्स इलायची। नेक्स्ट लेबल द वाटर साइकिल। जो फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन। देन सेकेंड प्रोसेस इज कंडेंसेशन। देन थर्ड प्रोसेस इज प्रिसिपिटेशन। और लास्ट में आफ्टर प्रिसिपिटेशन ये जो वाटर यहाँ पे आ जाता है, दैट इज ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट डिफाइन टर्म्स। एसेंशियल एक्वेटिक बेवरेजेस परमानेंट, इनको डिफाइन करना है। तो एसेंशियल मीन्स नेसेसरी, एक्वेटिक मीन्स जो नियर वाटर और इन वाटर जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उन्हें एक्वेटिक कहते हैं। बेवरेजेस मीन्स
अ ड्रिंक अदर देन वाटर, वाटर के अलावा जो भी हम ड्रिंक लेते हैं लाइक टी, कॉफ़ी, मिल्क, वो बेवरेजेस हो गया. परमानेंट मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग लास्टिंग. लास्ट इज गिवेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच थिंग्स डू द ओल्ड कॉइन्स रिवील. ओल्ड कॉइन्स क्या रिवील करती है? ओल्ड कॉइन्स रिवील्स द कल्चर ऑफ पास्ट पीपल. लिस्ट टू वेज टू सेव वाटर. तो फर्स्ट वे आप ये है कि आप अपनी यूजेस कम कर दीजिए वाटर की, अपनी क्वांटिटी यूज़ करना कम कर दें. और सेकंड है कि लीकिंग टैप्स अगर आपके यहाँ हैं तो आप उन्हें चेंज कराइए. नेक्स्ट है व्हाई इज सी एंड ओशन वाटर यूजलेस. सी और ओशन वाटर यूजलेस है बिकॉज दे आर सॉल्टी, सो वी कांट यूज़ दैट वाटर. नेक्स्ट, व्हाट आर वाटर बोर्न डिजीजेस. गिव एग्जांपल, वाटर बोर्न डिजीजेस जो कंटेमिनेटेड वाटर से जो हमें डिजीजेज होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाटर बोर्न डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफॉइड. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग टुगेदर. एक साथ खाने से क्या होता है? बाई ईटिंग टुगेदर वी क्रिएट रिलेशनशिप और वननेस. डिफाइन कल्टिवेशन, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड अ कल्टिवेशन. तो ये था क्लास फोर का EVS पेपर. मैंने पहले भी क्लास फोर के EVS और मैथ्स के पेपर अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं. और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ. तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह के बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोज़ मिलते रहेंगे. और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स.